بسم الله الرحمن الرحيم. मगर आज का जमाना वो जमाना नहीं जो खुमैनी साहब का जमाना था, जो खुई साहब का जमाना था, जो शहीद सदर का जमाना था, ये जमाना और है। अब यजीदियत खुल के सामने आ गई है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये बगल वाले मुल्क का मसला है। ये मसला मुल्क वुल्क का नहीं है, ये हुसैनियत और यजीदियत का मसला है। मुल्क कोई भी हो, जब भी हुसैन की मुखालफत में कोई उठेगा हमारा दुश्मन होगा, और जब भी कोई यजीद की हिमायत में उठेगा हम उसके दुश्मन होंगे। मुल्क वुल्क क्या होता है? पूरी दुनिया में एक वीडियो वायरल हुआ, अब क्या किया जाए? वो वीडियो आपने सबने देखा। कुछ ऐसे अफराद ने कि जिनके मां बाप का सही से शनाख्ती कार्ड में भी नाम नहीं है, उन्होंने एक मुल्क के एक चौराहे पर एक शहर में जमा होके यजीद के अमीर होने के और यजीद के रजी अल्लाह होने के नारे लगाए। मैंने आपने क्या किया? मैं मिंबर से बोल रहा हूं, आप जमीन फर्श अज़ा पे बैठ के सुन रहे हैं। क्या हमारा हक यही है? अजी वो तो बगल वाले मुल्क की बात है, बगल बगल कुछ नहीं। बात यह है कि हुसैन के दुश्मन को बढ़ाया जा रहा है, लिहाजा हर हुसैनी पर वाजिब है कि वो एहतजाज करे। कैसे करें एहतजाज? हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकते। ये वो जमाना है जिसमें सारी जंगे, बड़ी बड़ी जंगे, बड़े बड़े इनकलाब सोशल मीडिया से आए हैं, बड़ी बड़ी तहरीकें पनपी हैं सोशल मीडिया से। तो अगर आप इस जंग का और इस हुसैन की हिमायत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये तय कर लें कि रोजे अरबईन फेसबुक पर इतनी मर्तबा यजीद पर लानत लिखेंगे कि अमीर कहने वाले परेशान हो जाएं। उसे पता चले कि कल ना हुसैन तन्हा था, ना आज तन्हा है, और ना कयामत तक तन्हा रहेगा। आज बहुत सारे लोग कह देते हैं मौलाना क्या करें, हम तो परेशान हैं, हम भी बड़ा दुश्मन रखते थे इन्हें, मगर क्या करें, मर्जियत का नारा है, मर्जियत पे हमारी जान कुर्बान। खुदा लानत करे उन लोगों पर जो मर्जियत के मुखालिफ हैं।